हलचल टीवी न्यूज। सीरियल एक था राजा एक थी रानी में फूट फूट कर रो रहे हैं राणा जी और उन्हें संभाल रही है उनकी रानी। तो भाई चलिए हम आपको बताते हैं कि राणा जी की ये हालत आप जो देख रहे हैं उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। जी हाँ, अपना सारा राजपाट गवा बैठे हैं राणा जी, वो भी अवधेश के हाथों। और अब अवधेश ने उन्हें बना दिया है अतिथि, वो भी उनके ही महल में, जिसका राणा जी को हो रहा है पछतावा। खैर, रानी ने दिया है राणा जी का साथ और इस नाजुक पल में बढ़ाई है उम्मीद, लेकिन उधर अवधेश है कि रानी का प्यार पाने की ललक में किसी भी हद तक जाने को है बेकरार। अब अपना सब कुछ अवधेश के हाथों गवा देने के बाद राणा जी कैसे दोबारा हासिल करेंगे अपनी रियासत और रानी कैसे देंगी अपने राणा जी का साथ, ये देखना दिलचस्प होगा। यही कहना चाहूँगा, हमेशा यही कहता हूँ, ये आज ये भी कहना चाहूँगा, हमेशा अपनी बीवी की बात मानो, वो हमेशा सही होती है, रानी इसी वजह से होती है। पर एक एडवाइस गायत्री हमें देती है और हम उनकी बात नहीं मानते हैं और उसी की वजह से कुछ हो जाता है, हम काफ़ी कुछ लूज़ कर जाते हैं, हार जाते हैं। एंड या उसी वजह से अभी रोना धोने का सीन है, रो रहा है राणा जी, हमने अपनी पत्नी की बात क्यों नहीं मानी, ये वो फलाना ढिमकाना, पर यही है। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इफ यू लिसन टू योर वाइफ विल बी हैप्पी मैन, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। लेकिन फिर भी रानी ने इस पूरे आपने जो सब कुछ हार गए उसके बावजूद एक कहीं ना उम्मीद आपको जगाई है, मतलब कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि रानी अभी भी पॉजिटिव वे में है। देखिए, गायत्री का कैरेक्टर जो है, एक तो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जो स्ट्रेंथ और रेजिलियंस गायत्री दिखाती है इट्स फिनोमिनल। पहले से ही गायत्री को शान शौहरत राजा रानी बनने में कोई इंटरेस्ट था नहीं, पर उसकी जो इनर स्ट्रेंथ है आई थिंक दैट इज़ इवन ग्रेटर देन राणा जी स्ट्रेंथ, और वही उसे आगे बढ़ाव दिलाती रहती है, उसे स्ट्रेंथ देती रहती है। एंड आई थिंक दैट्स द वंडरफुल पार्ट अबाउट गायत्री कैरेक्टर, एंड आई थिंक अनदर रीजन व्हाई राणा जी लव्स गायत्री सो मच। मुझे लगता है अवधेश से ज़्यादा राणा जी को खुद पे गुस्सा है क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस हालात में डाले हैं, उन्होंने अपने आप को अलाउड हिमसेल्फ टू बी मैनिपुलेटेड, और फिर उनको रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, वो बह गए थे अपने भावनाओं में। ऑफकोर्स बहुत सारा पी लिया था उन्होंने, नशे में भी थे, पर दैट इज़ अगेन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से वो खुद पे ही गुस्से हैं। वो भी वो मुझे कल सुबह पता चलेगा जब मैं मेकअप करने बैठूंगा, मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आएगा। डे टू डे मुझे पता चलता है कि अच्छा आज ये होने वाला, अच्छा आज ये राणा जी करने वाले हैं। तो कल आइएगा, कल मैं आपको बताता हूँ कि हम इस उलझन से कैसे निकलने। अवधेश भी बहुत कुछ करने वाले हैं, वो गायत्री को भी एक डेट काइंड ऑफ डेट पे बुलाते हैं, तो राणा जी वहाँ पर भी कुछ करने वाले नहीं। राणा जी इज अनअवेयर ऑफ इट, अभी तो राणा जी अपने रूम में बैठ के रो रहे हैं। ऑफकोर्स अगर राणा जी देखते हैं कि अवधेश ने इतना इनडिसेंट प्रपोजल किया है गायत्री को, तो ऑब्वियसली ही विल कम एंड डू समथिंग अबाउट इट, पर ऐसा नहीं है। पर अब कुछ होता है राणा जी और अवधेश के बीच, अब तक कहानी ख़त्म नहीं है।